कर आप पीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक पाटकर डीके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक सीधे ही पहुंच जाए। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर प्रश्न, ठीक है? तो देखिए, 8 अगस्त 2021 का करंट अफेयर है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रोफेसर सी आर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? क्या निम्नलिखित में से किसने प्रोफेसर सी आर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन क्या है? जगदीश भगवती, सी रंगराजन, सी क्या है नागेश्वर रेड्डी, और क्या है बोथ ए और बी। तो क्या कह रहे हैं, बोथ ए और बी, जगदीश भगवती और सी रंगराजन ने प्रोफेसर सी आर राव शताब्दी पुरस्कार जीता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक है ना आईएसी विक्रांत को खालिस्तान तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो किस सन तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? सही उत्तर क्या है इसका, 2022 में आईएसी विक्रांत को भारत में शामिल कर लिया जाएगा। ये भारत में पहला स्वदेशी विमान वाहक क्या है, युद्धपोत है, ठीक है? क्या आईएसी विक्रांत, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, लेपर डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या लेपर डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या है इसका, तो आपका संजय गुब्बी। क्या है? संजय गुब्बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल के उद्यमी अजय दिलवारी को किस देश ने ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया है? क्या ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन डी कनाडा। क्या है? कनाडा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में किस शहर ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? क्या तो क्या है सही उत्तर इसका, ऑप्शन डी लंदन। क्या है? लंदन। लंदन क्या है आपका छात्र शहर के रूप में क्या है दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आया है। वैसे सिटी में आपका बिलासपुर है, ठीक है? भारत में आप कोटा बोल सकते हो, वैसे ही वर्ल्ड में क्या है, लंदन, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं, सरकार के किस राशि के कुल बजट से 5 साल के लिए डीप पोषण मिशन लागू करेगी, ठीक है? सरकार किस राशि के कुल बजट से 5 साल के लिए डीप पोषण मिशन लागू करेगी? तो कितना होगा, 4077 करोड़, कितना, 4077 करोड़ रुपीज, ठीक है? नेक्स्ट, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता खालिस्तान तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है? तो उत्तर क्या होगा, 2031 तक भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता कितना देगी, 22,480 मेगावाट तक हो जाएगी, इसकी संभावना आंकलित की गई है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया, कितना, 10 लाख से अधिक ग्राहकों का, ठीक है? तो कितना है इसका उत्तर, तो एक्सिस बैंक, क्या है, एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों का क्या किया, आंकड़ा पार कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2 बार के ओलंपियन फुटबॉलर खालिस्तान का निधन हो गया, तो किनका निधन हो गया, तो शंकर सुब्रमण्यम का, किसका, शंकर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वाटर विला कहाँ बना रहा है, लक्षद्वीप, हाँ लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, 9 अगस्त का, निम्नलिखित में से कौन नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला या आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है? नई शिक्षा नीति लागू करने का आदेश जारी करने वाला पहला राज्य देश है, क्या है उसका, तो ऑप्शन बी कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना को उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? उत्तर क्या है इसका, तो ऑप्शन बी क्या है, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, क्या है, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रामीणों को स्वच्छ पानी के महत्व के बारे में सूचित करने के लिए खालिस्तान में पानी माह या जल माह शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया जी,
तो क्या इसका, तो ऑप्शन ए आपका लद्दाख, क्या है ऑप्शन ए लद्दाख। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सरकार ने वित्त वर्ष 2012 के लिए पीएम मुद्रा योजना, ठीक है पीएम मुद्रा योजना, ये 2022 है तो निश्चित है ना, तहत ऋण वितरण लक्ष्य कितनी राशि निर्धारित किया है, ठीक है 2022 के लिए क्या है ऋण वितरण लक्ष्य कितना निर्धारित किया है, तो क्या आएगा इसका 3 ट्रिलियन, कितना है 3 ट्रिलियन रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस देश के जन क्रिजिस्तोफ टूरा ने जीएम सरगेई कारसाकिन को हराकर 2021 फिडे विश्व कप जीता, ठीक है फिडे विश्व कप जीता, सही उत्तर क्या इसका पोलैंड, क्या है पोलैंड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अबेगम एंड अरानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्या है अबेगम एंड ए रानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सही उत्तर क्या इसका रुद्रांशु मुखर्जी, क्या है रुद्रांशु मुखर्जी, ऑप्शन सी क्या है रुद्रांशु मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना और रूसी सेना की संयुक्त सेनाभ्यास इंद्र 2021 का स्थल क्या है, अर्थात इंद्र 2021 कहाँ पर अभी हो रहा है, क्षेत्र क्या इसका वोल्गोग्राद, क्या है वोल्गोग्राद, क्या है आपका वोल्गोग्राद, ये रशिया में है, ठीक है ये लेनिनग्राद के पास का ही क्षेत्र क्या है वोल्गोग्राद। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत ने आपदा प्रबंधन में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है आपदा प्रबंधन के लिए किस देश के साथ क्या क्या है आपका समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर शामिल किया है, तो क्या इसका बांग्लादेश, क्या है बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, तो 65 किलोग्राम प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, सबसे पता होगा आपका बजरंग पुनिया, कितना बजरंग पुनिया, कौन है बजरंग पुनिया, ठीक है। इन्होंने ही जो आपका टोक्यो ओलंपिक का जो अंत होता है उस सेरेमनी में इन्होंने क्या किया, भारत के फ्लैग बेरर कौन बजरंग पुनिया जी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है, सही उत्तर क्या है इसका तिरुवनंतपुरम, क्या है तिरुवनंतपुरम, ठीक है या तिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 अगस्त का करंट अफेयर, वयोवृद्ध अभिनेता अनुपम श्याम का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्होंने किस भारतीय टीवी शो में ठाकुर सज्जन सिंह की बेहद लोकप्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है सही उत्तर क्या है इसका मन की आवाज प्रतिज्ञा, क्या है मन की आवाज प्रतिज्ञा, ये बहुत फेमस थे इस तरह से प्रश्न आपके सामने है ना आया है। विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्या होगा 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीमा सड़क संगठन PRO ने किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, ठीक है सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया, तो कैसे कहा लद्दाख, क्या है लद्दाख। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूरोस्पोर्ट इंडिया ने भारत के लिए MotoGP ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, ठीक है MotoGP ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो कैसा जॉन अब्राहम, क्या है जॉन अब्राहम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड के लिए भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता, ठीक है उत्तराखंड के भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता, सही उत्तर क्या है इसका लाभांशु शर्मा, क्या है लाभांशु शर्मा, ऑप्शन ए क्या है लाभांशु शर्मा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं, ठीक है तो सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, ठीक है टोक्यो ओलंपिक 2020। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 शुरू किया है, क्या जायद तलवार 2021 का संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है क्या है संयुक्त अरब अमीरात का UAE या 7 देशों का क्या है ये समूह है कौन आपका UAE, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एशियाई विकास बैंक ADB ने
रुपए राजस्थान में जल आपूर्ति परियोजना के वित्त पोषण के लिए 831 करोड़ रुपए का ऋण दिया। ठीक है, तो सही उत्तर किस राज्य को आएगा? आपका राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल को वित्त पोषण के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कितना रुपए दिया? 831 रुपए 831 करोड़ रुपए का वित्त पोषण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में औषधि महानियंत्रक अर्थात DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए किस एकल खुराक COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका? जॉनसन एंड जॉनसन। क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं? ठीक है, 2.0 योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। सही उत्तर क्या है इसका? तो उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11 का करंट अफेयर। किस राज्य सरकार ने काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? सही उत्तर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश, आपको पता है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। ICC ने ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में क्रिकेट को शामिल करने के लिए पोल लगाने की योजना बनाई है? ICC ने ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में क्रिकेट को शामिल करने की पोल लगाने की योजना बनाई है? सही उत्तर क्या है इसका? 2028 का लॉस एंजल्स ओलंपिक। ठीक है, क्या? लॉस एंजल्स ओलंपिक में यह योजना बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, अर्थात किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए गुजरात। क्या है? ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 में भाग लेगी। ठीक है, भारतीय सेना की टुकड़ी खालिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 में भाग लेगी। कहाँ होगी ये? तो रशिया में। ठीक है, कहाँ पे? रशिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत राजस्थान को श्रीहरिकोटा से उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GIS-1 लॉन्च करेगा। तो किस दिन करेगा जी? तो 12 अगस्त को लॉन्च करेगा, अर्थात कर लिया। ठीक है, 12 अगस्त को लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट ने छोटे व्यवसायी या व्यवसायों, कारीगरों और बुनकरों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की घोषणा की? ठीक है, तो क्या आएगा? IIM। ठीक है, संबलपुर। क्या है? IIM संबलपुर के साथ इसने, फ्लिपकार्ट ने क्या किया है? साझेदारी किया है। ठीक है, IIM संबलपुर। आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न के बाद टेस्ट क्रिकेट में तीसरे से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए किसे पछाड़ दिया? सही उत्तर क्या है आपका? अनिल कुंबले। क्या है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले की कितने विकेट है जी? तो 609 टेस्ट विकेट है। ठीक है, और आपका शेन वार्न का है कितना? 708। और आपका मुथैया मुरलीधरन का कितना है जी? 800। ठीक है, कितना है? 800। नेक्स्ट पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? PM दक्ष। क्या है? PM दक्ष, प्रधानमंत्री दक्ष मोबाइल ऐप है। ठीक है, जिसको क्या है? कौशल विकास के लिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने क्या किया है? लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। सही उत्तर क्या है इसका? प्रिशा जैनी। क्या है? प्रिशा जैनी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ठीक है, तो किसको शामिल किया है जी? तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, किसको? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को भारत के दूसरे, है ना, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने। साथ ही साथ ये भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में पहला पदक एवं पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी बने। कौन? आपके नीरज चोपड़ा। ठीक है, 12 अगस्त का।
किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? अब राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है जी, मतलब कॉमन चीज आप समझ सकते हो, ये कांग्रेस शासित राज्य में हुआ है, क्योंकि जैसा विवाद आपके टाइम पे चल रहा है, इससे कॉमन से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो ऑप्शन है आप कर्नाटक, यहाँ तो बीजेपी है ना, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर क्या है इसका? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार की मांग है या मांग की है कि रुपए प्रोजेक्ट लाइन के तहत केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए मिले? ठीक है, कितने मिले? 2000 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? आपका ऑप्शन डी गुजरात। क्या है? ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ है ना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? अब तो पता है ना, विनेश फोगाट को। किसको? विनेश फोगाट। ये वर्ल्ड की नंबर वन रेसलर है, क्योंकि तो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, चूंकि जब ओलंपिक का खेल हो रहा था ये, तो ये किसी अन्य कंपनी का जो ड्रेस है उसको पहन के ये खेल रही थी, है ना, तो इस कारण से इनको क्या किया गया? अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो क्या है इसका? 122। और फर्स्ट में कौन है? सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। भारत कितना? 122 नंबर पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। किस संगठन ने ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है? ठीक है, क्या? डिजिटल ऋण मंच यथा डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है। सही उत्तर क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, सही उत्तर क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, SIDB। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1 अक्टूबर से कैश खत्म होने पर ATM पर RBI मौद्रिक जुर्माना लगाएगा। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है जी? आपके शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? सही उत्तर क्या है इसका? रेखा शर्मा। क्या है? ऑप्शन डी रेखा शर्मा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या इसका? अनुराधा रॉय। क्या है? अनुराधा रॉय। ठीक है, आपको याद रखना क्या है? अनुराधा रॉय। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पूर्व क्रिकेट दिग्गज क्रिस गेन्स लाइफ सपोर्ट पर है, वह किस देश के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे? क्रिस गेन्स थे, वो न्यूजीलैंड के पूर्व क्या है? कप्तान है। कौन? क्रिस गेन्स। ठीक है, क्या है ये? न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान है। ठीक है, इस पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है जी? आपका सुधा मूर्ति ने। किसने? सुधा मूर्ति ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 13 अगस्त का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 कब है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब है? 12 अगस्त तथा 12 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड वेटरनरी हेल्थ, क्या था इसका थीम था? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कब लॉन्च होगा? फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कब लॉन्च होगा? 13 अगस्त को लॉन्च हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या? NPPA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर क्या है? कमलेश कुमार पंत। क्या है? कमलेश कुमार पंत। क्या है? कमलेश कुमार पंत। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसका? कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर। सही उत्तर क्या है? राजकुमार राव। क्या है? राजकुमार राव। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नामक नाम बताइए जो GSLV-F10 द्वारा इच्छित कक्षा में लॉन्च करने में विफल रहा? उत्तर क्या है इसका? EOS-3। क्या है? EOS-3।
ठीक है, क्या ई ओ एस थ्री। इस पढ़ते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अल मोहेद, क्या है अल मोहेद अल हिंदी 2021 नामक एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगी। सही उत्तर क्या है इसका, एक सेकंड, तो आपका सऊदी अरब। क्या है ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए 7 अगस्त, इसको 7 अगस्त क्यों, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था, वह किस खेल से संबंधित है। तो क्या है वंदना कटारिया, वंदना कटारिया किससे है, हॉकी, किससे है आपका, हॉकी से। नेक्स्ट पढ़ते, कोविड-19 टीकों को खरीद के लिए एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को कितनी मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक या ADB ने कितना फंड दिया है किसको, पाकिस्तान को, तो कितना दिया है, $500 मिलियन, कितना $500 मिलियन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 14 अगस्त का, सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त विभाग दिया है, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो क्या है BD मिश्रा। क्या है तो ऑप्शन डी BD मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ सरकारी में एक वर्षीय संयुक्त पहल शुरू किया। ठीक है, चलो तो क्या है इसका, ऑप्शन ए फेसबुक। क्या है ऑप्शन ए फेसबुक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत ने छत्तीसगढ़ से खालिस्तान को या किस देश को निर्जलित महुआ फूलों की पहली खेप का निर्यात किया है। तो क्या इसका, फ्रांस, किसका, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन खालिस्तान में किया जाएगा। ठीक है, डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो क्या इसका ऑप्शन डी कोलकाता। क्या है ऑप्शन डी कोलकाता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन डी गुजरात। क्या ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, बंगस अवाम मेला का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। वहां क्या है बंगस अवाम मेला, जम्मू और कश्मीर। कहां पे, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय IT फर्म बन गई है। तो क्या है HCL टेक्नोलॉजीज। क्या है HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। सही उत्तर क्या है एम वेंकैया नायडू। क्या है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत अमेरिका और जापान के साथ मालाबार अभ्यास 2021 किस देश ने भाग लिया है। ठीक है, उत्तर क्या है इसका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्या है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। इस पढ़ते हैं, जुलाई के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। जुलाई के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, उत्तर क्या है इसका ऑप्शन डी शाकिब अल हसन। खिलाड़ी है वो बांग्लादेश के, और महिलाओं में किसको, स्टेफनी टेलर, स्टेफनी टेलर को। एक खिलाड़ी है तो इतना आइडिया नहीं है, सबसे ये आपका इंग्लैंड की खिलाड़ी कौन, स्टेफनी टेलर। कुछ पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना ने सिंगापुर में दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण SEA-380 सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया है। संयुक्त क्या है इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कुछ पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने एथलीटो का समर्थन करने के लिए भारत की पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सही उत्तर क्या है इसका इंडियन बैंक। क्या है इंडियन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, PM किसान योजना के तहत किसानों को कितनी राशि हस्तांतरित की गई है। ठीक है, PM किसान योजना के तहत कितना राशि हस्तांतरित किया गया, कितना आएगा 19,500 करोड़। कितना 19,500 करोड़। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। उत्तर क्या है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है जी? है तो पालम दिल्ली, ठीक है, पालम दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय रग्बी ग्राउंड का निर्माण कर रहा है? तो रग्बी ग्राउंड कहाँ पे आएगा आपका? जम्मू और कश्मीर, ठीक, क्या है? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आदिपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? क्या आदिपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर क्या है इसका? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु, क्या ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट पढ़ते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो क्या आएगा, एक फेमस या इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला वाटर प्लस शहर, तो क्या आएगा इसका? भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या? इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जीके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया है? नारायण कार्तिकेयन। किसको? नारायण कार्तिकेयन। ये क्या थे पहले? ये तो भारत के फॉर्मूला वन क्या थे? ये रेसर थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत ने किस देश के साथ क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, था संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है ना? व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021, ठीक है। सही उत्तर क्या है? राष्ट्र पहले हमेशा पहले, क्या है? राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ठीक है, मिशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, क्या होगा? मिशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 16 अगस्त 2021, थोल और वाधवाना को रामसर सूची में जोड़ा गया, उन्हें रामसर कन्वेंशन के अनुसार वैश्विक महत्व के आर्द्रभूमि की रूप मान्यता दी गई है। थोल और वाधवाना किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है थोल और वाधवाना? तो आपका ऑप्शन डी गुजरात, क्या है? ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अफगानिस्तान की सरकार तालिबान को सत्ता हस्तांतरित करेगी, है ना? अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? याद आपको सकते हो थे, तो कौन थे जी? अशरफ गनी थे, ठीक है, अशरफ गनी थे, जो कि अभी क्या है? फरार है, और कहाँ पहुंच गए अभी? ताजिकिस्तान में रह रहे हैं। कौन? अशरफ गनी, ठीक है। अभी तो बराकर ने जो बराकर या बरादर जो है उन्होंने क्या किया है? सत्ता की बागडोर संभाल ली है, किसके? अफगानिस्तान। नेक्स्ट पढ़ते हैं, RBI ने कोऑपरेटिव रोबो बैंक U.A पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रोबो बैंक राजस्थान का एक बैंक है, ठीक है, साथ किस देश का एक बैंक है? तो क्या इसका? नीदरलैंड, क्या है? नीदरलैंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया किस देश को अगस्त 2021 में रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा? किस देश को? तो मॉरिशस। किसको? मॉरिशस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने आर्ट सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स लिखा है। सही उत्तर क्या इसका? रचना मजूमदार, क्या है? रचना मजूमदार, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने 50,000 रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 अगस्त में शुरू की? सही उत्तर क्या इसका? आपका ऑप्शन बी राजस्थान, क्या? ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो सैटेलाइट फोन से देश या लैस देश का पहला पार्क बन गया। किससे? सैटेलाइट फोन से लैस देश का पहला पार्क बन गया है। उत्तर क्या इसका? काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर? ये तो असम में, ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क, इसीलिए फेमस है, तो एक सिंगे गिरने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगस्त 2021 राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया है, ठीक है, किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया है? उत्तर क्या है इसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK Stalin, कौन है? MK Stalin तमिलनाडु के, क्या है? नए मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गजनवी किस देश की सबसे सतर्कता मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल, क्या? गजनवी किस देश की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो किसकी है ये? पाकिस्तान। किसकी है? पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण तपस किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है? तो किस मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर समाप्त होता है और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए, वीकली करंट अफेयर देखने के लिए, याद रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर करके रखें। तो अभी के लिए धन्यवाद।